नमस्कार, मैं विवेक मिश्री आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो लेके नई चीज। इसमें क्या है, वन मिनट साड़ी की पीछे काफी दिनों से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि आप वन मिनट साड़ी में दोबारा दिखाइए। वन मिनट साड़ी में दोबारा लेके आया हूँ, ये देखिए। इसे वन मिनट साड़ी इसलिए बोलते हैं, ब्लाउज पहनने के बाद आपको साड़ी पहनने में एक मिनट ही लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये ब्लाउज है, ये इसमें अंदर बाजुएं दी हुई, यदि किसी ने बाजू अटैच करनी है, बल्कि जनरली ऐसे होता है। ये गर्ल्स और न्यूली मैरिड वुमेन्स के लिए है। साइज 38 होता है, अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 40 तक हो सकता है। इस तरीके से ये रहा, इस तरीके से एक बार पहन के दिखाना लपेट के फटाफट। ये हुक लगे हुए हैं, इसी तरीके से पतली या मोटी अपने हिसाब से हुक एडजस्ट कर लिया जाता है। हुक एडजस्ट किया, यहाँ से घूम के आ गया बल्ला, बस ये आ गया। बस इस तरीके से बताने का पर्पज आपको खाली ये है कि और कोई मोटी है तो वो उसने थोड़ा सा अपने हिसाब से हुक यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया, उस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाती है। ये सारे इम्पोर्टेड फैब्रिक्स हैं और बूटा इसलिए लगाया होता है क्योंकि यहाँ का नहीं तो प्लेन अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे एक बूटा लगा दिया हमने, इसलिए ही इसे एक मिनट वन मिनट साड़ी बोलते हैं। इसे पहनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आजकल वैसे भी गर्ल्स वगैरह या न्यूली मैरिड बहुत सारी वुमेन्स को तो आता भी नहीं है, उन्होंने पहनी नहीं। लेकिन हाँ, ब्याह शादी में पार्टी में अच्छा लगता है इस तरह की साड़ी पहनना। एक और नया तरह का डिजाइन जिसमें पीछे चेन के संग बनाया हुआ हमने, ऑफ शोल्डर में बनाया है, इसे कट शोल्डर या ऑफ शोल्डर भी बोलते हैं। ये इस तरीके से है, यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा फैशन में ट्रेंड में है ये, इस तरीके से ये देखिए। इसके संग हमने ये फैब्रिक इस्तेमाल किया, ये भी एक इम्पोर्टेड फैब्रिक है क्योंकि हम वैसे ये बगैर इसके बनाते हैं, लेकिन इस तरह से भी कस्टमर मांग रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाना है। ये देखिए इम्पोर्टेड फैब्रिक, इस तरीके ये नहीं मिलते। ये भी वन मिनट साड़ी में बेल्ट लगी हुई है ऊपर, ये इसी के साथ है। एक और नया डिजाइन, इसमें पूरा का पूरा हमने ऊपर तक ले लिया गले के साथ में, पीछे चेन के साथ चेन लगी हुई इसमें भी, जिसमें चेन नहीं लगी थी उसमें साइड में चेन लगी होती है, तो पीछे चेन होगी साइड में चेन होगी। ये इस तरीके से इम्पोर्टेड फैब्रिकेशन ये रहा। अब ये इसलिए बनाया हुआ, यदि मान लो कोई छोटी लड़की है तो इसमें खास बात ये है इम्पोर्टेड फैब्रिक की, सही पता करना कि इम्पोर्टेड है नहीं है। हालांकि है वो भी मेरे इम्पोर्टेड, लेकिन उसमें नीचे हमने बॉर्डर दे दिया, इसमें बॉर्डर नहीं दिया, वो सीधे आप नीचे से कट कर दो, धागा नहीं निकलते। इसमें खास बात यह है कि धागे नहीं निकलते, हमने देखिए कोई इसमें वो नहीं दिया हुआ। तो साइज अपने हिसाब से एडजस्टमेंट वेरी इजी, बहुत आसान है आप लोगों के लिए। एक और डिजाइन ये देखिए, कितना अच्छा पास से लुक देखिए। बाजू इसमें भी दी हुई है, अंदर बाजू में दी हुई है, यदि किसी को करना है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। साइज छोटा बहुत आसान है, थोड़ा सा बड़ा भी करना हो तो थोड़ा बहुत मार्जिन दिया हुआ है हमने दोनों साइड। ये देखिए मैटी फिनिश में, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को ये होता है कि शाइनिंग नहीं चाहिए, मैटी फिनिश में चाहिए, तो मैटी फिनिश में बनाया हुआ है बेल्ट वाली साड़ी। एक और डिजाइन ये देखिए, ये देखिए इसमें मैंने पूरा बाजू पूरी बना दी आस्तीन के साथ में, इस तरीके से बनाया हुआ ये। इसमें साइड से वो है एडजस्टमेंट, ये देखिए इसमें फैब्रिक हमने ये इस तरह के इस्तेमाल कर लिए, ये भी एक डिफरेंट फैब्रिक इम्पोर्टेड है, लेकिन इसमें नीचे हमने बॉर्डर दे दिया। ये हुक वाली एडजस्टमेंट, इसके ये दोनों कलर्स भी दिखाते हैं ना भैया, पहले ये दोनों कलर्स दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। तो कलर्स मैं सब में बनाता हूँ, इसमें जैसे ये कलर भी बनाए हुए हमने उल्टा करता है, ये देखो ब्लाउज वही है ना, ब्लाउज वही लगेगा। इसके साथ हमने ये बना दिया, दूसरा कलर भी दिखा दो जो बनाया, बहुत अच्छा कैटा। कलर की चॉइस जिसको जैसी है वैसे बना, वो वैसे ले लेता है। ये देखिए कुछ डिफरेंट इम्पोर्टेड फैब्रिक के साथ ही वन मिनट सारी की अगला ट्रेंड जो है रेडीमेड सारीज का है, जो रेडीमेड सारीज भी इसे बोल सकते हैं आप, वो इसी का है नेक्स्ट जो भी है। और अभी ये दो चार साल कहीं नहीं जाने वाला, हो सकता है उससे ज्यादा भी चल जाए, क्योंकि गर्ल्स तो भूलते ही जा रही है लेडीज, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन हाँ ये देखिए इसमें पीछे हमने ऐसे नाड़ा लगा दिया पहनने के लिए,
ये देखिए, ये रेंज वाइज बना दी, ये सारी मैंने रेंज वाइज है, उसमें इम्पोर्टेड की डुप्लीकेट है फैब्रिक, लेकिन बहुत रेंज वाइज आता है, देखने में दूर से कुछ नहीं पता चलता, रेंज वाइज साड़ी है ये। प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी, आपको प्राइस पूछने तो मुझसे व्हाट्सएप पे ही पूछेगा, व्हाट्सएप के लिए मैंने दो नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 8376918925 और 7217818481। आप स्क्रीनशॉट लेके, पुराने कस्टमर्स को सबको पता है स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, नए कस्टमर्स नए व्यूअर्स के लिए एक बार मैं फिर बता दूं, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, जैसी साड़ी आपकी जो आपको पसंद आई ऊपर स्क्रीन पे आ जाती है, आप उसका स्क्रीनशॉट निकालिए और वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इन दोनों नंबर पे, तो वहां से वो प्राइस बता देंगे, अदरवाइज मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, क्योंकि पता चला आपने मुझसे तो ली नहीं, और पता चला जिस कस्टमर से लेनी है जो आपके आसपास दुकानदार भाई मेरा जो माल बेचते हैं उससे भी माल नहीं खरीदा तो फायदा क्या, नो तो कोई नहीं ले सकता। ये देखिए एक और ब्लाउज पिजन, अब इसमें हमने क्या किया है, ब्लाउज देखो कितना भारी किया हुआ है, इधर से काफी भारी भेजी, उधर इससे तो पल्ला आ जाएगा। ये देखिए इसमें भी हमने डिफरेंट फैब्रिक इस्तेमाल किया, हमने ब्रॉच दे दिया, कितना हैवी अच्छा ब्रॉच, पास से लेना जब भी क्लोजअप, देखिए ब्रॉच का कितना अच्छा गेटअप आ रहा है, ये फैब्रिक डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट फैब्रिक, इसमें कलर्स है सब कुछ ही दिखा दो, देखो एक और डिजाइन इसमें भी, ये कट शोल्डर के साथ में ऑफ शोल्डर, ये कट शोल्डर जिसे बोल देते हैं, पीछे चेन वाला, इसमें भी इम्पोर्टेड फैब्रिकेशन। अब इसमें हमने बिल्कुल डिफरेंट दे दिया, पैनल में भी मांग ली कि कस्टमर के कुछ अलग बनाओ, हालांकि इसमें हम पैनल जनरली बनाते नहीं है, लेकिन कुछ कस्टमर्स की डिमांड के बाद हमने बना दिया, फैब्रिक भी डिफरेंट इस्तेमाल किया है और इस तरीके से बना ली, बहुत ही डिफरेंट। ये देखिए साड़ी का गेटअप कितना अच्छा आ रहा है, अब ये देखिए कितने मिनट की हो गए, बाकी भी सर नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। और डिजाइन आप सब लोग लेगा, बहुत बढ़िया लुक, किसी को डिफरेंट के पहनना, पीछे नेट की और ये चेन दी हुई है इस तरीके से, ये देखिए इसका बूटा देखिए, डिफरेंट फैब्रिक डिफरेंट स्टाइल, बस बाकी की दूसरी वीडियो में देखा। अब आज एक तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो लॉन्च हो आपके पास मैसेज आ जाए कि हाँ इस तरीके से है। और टॉपिक ऑफ द डे आज हम बात करते हैं दान पुण्य पे, धर्म दान पुण्य पे, हर एक जने कहता भी दान पुण्य करना चाहिए, हर धर्म में लिखा हुआ है करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान आज की डेट में आके क्या हमें दान इस तरीके से देना चाहिए, ये नहीं कि हमने तो दान दे दिया हमारा फर्ज पूरा हो गया, गलत है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अच्छा शास्त्र से भी ज्यादा हम आज अपनी बात करते हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे, सब पूरे के पूरे रैकेट बने हुए हैं, पूरे के पूरे रैकेट बने हुए हैं, हर साल आप ये रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बताते हैं ऑफिशियली और अनऑफिशियली, इसके अलावा और जितने ज्यादा होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हम ऑफिशियली बात करते हैं तो हजारों लाखों बच्चे, हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं, गायब क्योंकि कहां गए, क्या हुआ उनके साथ, ऐसे हजारों बच्चे गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे यार, कोई भी बच्चा रोता हुआ बाहर सड़क पे से जाएगा तो रोता हुआ दुकानदार ये जो भी उसे मिलता है वो पूछ ही लेगा बेटा क्यों रो रहे हो क्या है, उसको कोशिश करते हैं पुलिस तक पहुंचाने की और उस तरीके से तो उसे एड्रेस नहीं भी पता तो, लेकिन ये तो बड़े बड़े भी गायब हो जाते हैं, कभी कुछ सोचा, कुछ सोचने की कोशिश करी, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन हाँ पूरे के पूरे रैकेट बने हुए हैं, उन्हें जो भी जहां मौका मिला, जो भी बच्चा बड़ा जो भी मिला उसको उठा लिया ले गए,
अब वो देखते हैं कि इसको किस तरीके से लोगों को इस पे दे आएगी। शारीरिक रूप से भगवान ना करे कोई अपंग है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो उसने कहा भाई हाथ काट दें तो कैसा लगेगा, पैर काट दें, आजकल किसको ज्यादा भीख मिल रही है, हाथ काटने वाले को और पैर काटने वाले को, इस तरीके से होता है। उसके संग यदि लड़की है तो और भी गलत काम किए जाते हैं। भी पीछे तो पेपर में आपने पढ़ा भी हो तो एक बार वो ये हुआ कि मैंने कहा भाई वो अपने घर में मेड रखी हुई थी, उसने पता चला बच्चों को अफीम दी या कुछ दिया नशे की हालत, और उसने कहा भाई ये तो रात तक आते हैं 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए, बच्चा उन्होंने किराए पे चला दिया। यार क्या भाई साहब क्या, क्यों आप उसको दान इस तरीके से मतलब भीख दे रहे हो, दान दे रहे हो। अब आप, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देना चाहिए, लेकिन पहले मेरी बात शांति से सुन लो बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो खाना खिला दिया, क्या खाना खिलाना सही है? तो बिल्कुल सही है भाई, हम तो दान पुण्य हमारे धर्म में लिखा हो, सारे धर्मों में लिखा है दान पुण्य, हम सीधे पैसे नहीं दे रहे, हम खाना तो खिला ही सकते हैं। क्या खाना खिलाने से आपको ये लगता है कि वो सही हो गया? सर वहां पे जाके देखो, आपसे पर्ची ले ली, आपसे खाना लिया, वापसी वहीं पर जमा हो रहा है, वापसी हो रहा है, वही रूटीन घूम रहा है। पैसे फिर भी आने, अल्टीमेटली मेन मोटिव वही है, पैसे पहुंच गए, वो उन्हें पहुंचाने ही पहुंचाने हैं, रैकेट हैं। अब इसमें उन्हें का जो जेनुअन है, जिसको वास्तव में नीड है, जो कुछ कर नहीं सकता वो यौन का संबंध पिस्ता फिर करेंगे, क्या देना चाहिए, किस तरीके से सर संरक्षण होना बताता हूँ। सर हर एक जना, अगला टॉपिक मैं कोशिश करूंगा यदि मुझे याद रहा तो मैं, हम इस बारे में बात करेंगे, फ्री के बारे में बात करेंगे, फ्री के बारे में आज हम बात करते हैं, या डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि दान पे ही जो हम वापसी, इसी टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए। किसी को भी कुछ दिया जाता है, उन्होंने कहा भाई हमें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, मतलब क्या है, क्यों दे रहे हो उसे, आप उसे पूरी जिंदगी भिखारी बना के रखते हो। ऐसे कितने आदमी है जो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, यदि मुझमें गट्स हैं तो मैं सब कुछ पैदा कर लूंगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन हर एक आदमी को, हर एक जना कहता कहता भाई सब मैं कहां से करूंगा, मैं गरीब आदमी हूं, वही हूं। अब क्यों नहीं उसे पढ़ा लिखा के एजुकेटेड कर दे रहे कि वो कहते कि नहीं, जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है जनरली दे, कहते कि हमें जरूरत ही नहीं है, भाई मैं क्यों हाथ फैलाऊं, मैं क्यों ये करूं। सबसे बढ़िया धर्म क्या, सबसे बड़ा दान पुण्य क्या, सबसे बड़ा दान पुण्य सिर्फ एक ही है, शिक्षा। आपने किसी भी बच्चे को, किसी भी आदमी को जो भी है, उनको पढ़ा लिखा के बच्चों को इस लायक बना लिया कि उन्होंने कहा वो पूरी जिंदगी, आपने खाना दिया, आपने कुछ भी पैसे दिए, एक बार सिर्फ एक बार का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उसको पेट भर सकता है। बहुत ज्यादा दे दिया, दो दिन का, सुबह शाम का भर जाएगा, एक टाइम का, दो बार का भर जाएगा, कितना दे दोगे सर? वो आपने उसे पढ़ा लिखा दिया पूरी जिंदगी, वो ना तो किसी के सामने भीख मांगेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट सब कुछ, मतलब सारी चीज उससे हो जाएंगी। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना चाहिए, अब देना है, अपने प्रेसी के बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं और काफी चीजें बनी, हालांकि और लोग वहां पे भी बड़ी धांधलीबाजी है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद भी लेप्रेसी के आश्रम में चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी मच बेटर। हम यहाँ पे देते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि दुकान के बाहर ही बिल्कुल ऐसा आ गया, आदमी ने उसको दे दिया, उन्होंने कहा भी ठीक है मेरा, अच्छा मैं प्रेग्नेंट हूँ या मेरे ये है ये वो, यार इतने डायलॉग्स होते हैं, मैं कहना अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। बाद में पता चला वो वहीं पे कहीं और मिल गया, और तेरे 6 महीने पहले भी पोजिशन थी, आज भी पोजिशन है, साल भर बाद मिल गया तो भी पोजिशन, क्या हुआ वो पैसों को, क्या हुआ जो सर प्लीज मत करो, मैं ये नहीं कह रहा, उन बच्चों की सोचो, बच्चे आपके भी हैं, बच्चे मेरे घर में भी हैं, सबके घरों में, क्यों डर लगता है, क्यों बच्चे उठते हैं, बच्चे उठाए इसलिए जाते हैं, बड़े भी उठा लिए जाते हैं, बूढ़े लेडीज सब इस तरीके से मारते पीटते हैं, ऐसी जगह ले जा ले जाके बंद कर देते हैं जहां पे आदमी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता, कुछ ही नहीं कर पाता, हर एक को अपनी जान प्यारी है। उन्होंने कहा ठीक है भाई जैसी मजबूरी, तो प्लीज भाई सलाह अपनी अपनी, मेरी सलाह जो मेरी समझ वो मैंने कह दिया, आपको जो समझ आए जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, लेकिन जरा सोचिएगा जरूर इस बात पे, सिर्फ और सिर्फ जो
दान है वो शिक्षा का दान है, उससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता, मुझे ये पता है। और उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आसपास जिस भी बच्चे को पा सकते हो, जिसकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प कर सकते हो जरूर कीजिएगा। मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझसे द्वारा या मुझे मेरे द्वारा कुछ आप कहलवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, या मुझे कोई सलाह देने चाहे तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद, इसी तरह प्यार देते रहे। थैंक यू वेरी मच।